तो आज हम देख रहे हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के जो इफेक्ट्स हैं इनके बारे में जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो इसमें कुछ तो बहुत आसान है, कुछ ज्यादा काम के हैं, कुछ कम काम के होंगे। देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पहला डिस्टॉर्ट ऑप्शन कैसे काम करता है। डिस्टॉर्ट वैसे ही जैसे हमने फोटोशॉप में सीखा था इसके बारे में कि किसी भी एक अलग अलग एंकर्स को अलग तरीके से मूव किया जा सकता है डिस्टॉर्ट के ऑप्शन के जरिए। ये एक ऑप्शन लिया हमने यहाँ पे और उसको जाके हमने यहाँ से डिस्टॉर्ट पे प्री डिस्टॉर्ट किया। प्री डिस्टॉर्ट में आप ये है कि ये चारों एंकर्स को अलग अलग इस तरह से आप मूव कर सकते हैं जिस पोजीशन पे चाहे, इस तरह से या फिर आप इसको चाहे कि इस तरह से दिखाई दे या तो इस तरह का इफेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो ये आप इसको इस तरह रख के जैसे ओके करेंगे तो ये इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब विंडोज में जाके अपीरियंस का जो पैनल है वो आपको हेल्प करेगा, जो इफेक्ट अभी आपने अप्लाई किया है उस इफेक्ट को आपने क्या करना है। मतलब जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ पर आपको प्री डिस्टॉर्ट का इफेक्ट नजर आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से इसको रीसेट करना चाहें ओके कर सकते हैं, और अगर दोबारा कोई चेंजेस चाहें तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं, वो आप यहाँ से आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं चेंजेस। और अगर इस इफेक्ट को रिमूव करना चाहें तो यहाँ से इसको रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो है हमारा डिस्टॉर्ट इफेक्ट जो इतना कोई खास इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, उसके बाद पकर एंड ब्लॉट टूल। अब पकर एंड ब्लॉट टूल में क्या होगा, देखिए इसमें जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो जितने भी कॉर्नर्स होंगे वो राउंड होना शुरू हो जाएंगे और फिर माइंड भी कि वो एक फ्लावर की सूरत तैयार कर लें, ये देखें। और अगर आप उसको नेगेटिव साइड पे लेके जाएंगे तो वो इस तरह से एजेस उनके निकलना शुरू हो जाएंगे और वो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब अगर आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है या इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये देखिए इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, और आगे लेके जाएंगे तो इस तरह का ऑटोमेटिकली ये बनता चला जाएगा। लेकिन याद रखें कि ये अप्लाई होगा किसके ऊपर, ये प्रीव्यू को चेक लगाना है, जितने कॉर्नर्स होंगे। तो कॉर्नर से याद आया कि अगर हम पॉलीगोन बना रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके और उसके हमने 12 कॉर्नर रखे हैं, ठीक है, और उसको ओके कर दिया तो ठीक है ये कॉर्नर तो 12 है इसके, लेकिन जब इसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई होगा तो वो 12 कॉर्नर्स पर ही अप्लाई होगा। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का कट एंड ब्लॉट टूल, और यहाँ से आप देखिए इस तरह का शेप इजिली आप इसमें से निकाल सकते हैं। सिंपली हल्का सा भी इसमें आप कर देना चाहें तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, और अगर इसको इस तरह से बनाना चाहें तो ऐसा शेप भी आप इसमें से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। याद रखना ये टूल जिसका नाम है पकर एंड ब्लॉट टूल। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास जो हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं वो है हमारे पास इफेक्ट्स में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में रफ एंड टूल। रफ एंड टूल में जैसे कि इसका नाम ही रफ एंड टूल है, मतलब कोई आपने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी शो करनी है बॉर्डर्स के ऊपर या किसी शेप के ऊपर जो एक जैसी ना हो, जो लगे कि हाँ भाई हाथ से इस तरह से ड्रॉ किया गया है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें साइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आप इसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, कितना डिक्रीज करना चाहते हैं पर्सन में, और इसके बाद जो इसका डिटेल है वो आप यहाँ से सेट करेंगे, जितनी बढ़ाएंगे उतना क्लोज ये इसके साथ एक सिस्टम क्रिएट करता जाएगा, और जितना दूर करेंगे इनके दरमियानी डिस्टेंस उतना दूर होता चला जाएगा। अगर आप इसको एब्सोल्यूट पर रख के बना रहे हैं तो फिर आपको कुछ ये इस तरह से नजर आएगा, और इसका साइज फिर आपको यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें कॉर्नर्स हैं, अगर आप इसको स्मूथ में बनाना चाह रहे हैं तो यह स्मूथ कर दें, इसका डिस्टेंस कम करता हूँ तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि देखें ये एजेस इनके क्या है, स्मूथ है, और अगर मैं इसको कॉर्नर पर रखूंगा तो फिर अब इनके एजेस देखें नोक वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, इस तरह का कोई भी सीन फ्रेम वगैरह बनाना हो तो आप इस ऑप्शन को यूज करके बना सकते हैं जिसका नाम है क्या, रफ एंड टूल, रफ एंड इफेक्ट्स। ठीक है, और अगर नहीं तो यहाँ से इसको रिमूव कर दें। तो फिर इसके बाद आगे चलते हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म के बारे में। अब ये बड़ा काम का ऑप्शन है, अगर आप इसको समझें, इसके जरिए हमने एक असाइनमेंट भी किया था, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आपको एक ब्लॉग बना के दिखाते हैं छोटा सा। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया यहाँ पे, अब इसको देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो मैंने यहाँ से इसके अंदर एक कलर भर दिया, यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसमें कलर दे दिया। अब देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहा हूँ और इफेक्ट्स में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए साइज स्केल की बात हो रही है, स्केल मीन साइज, और यहाँ पे इसकी मूवमेंट की बात हो रही है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स और एक्स एक्सिस की मूवमेंट है लेफ्ट एंड राइट की, और वर्टिकल का मतलब है टॉप एंड बॉटम की मूवमेंट है। और अगर साइज की बात करें तो ये इसके विड्थ की बात हो रही है और ये इसके हाइट की बात हो रही है। अब ये है एंगल, एंगल मतलब ये एक डिग्री है सर्टेन, तो उस पर 5, 10, 15, 20 डिग्री कितने पे मूव करे। सर इससे हटके अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये शेप चाहिए ऐसे स्ट्रेट अवे डुप्लीकेट,
तो क्या करना पड़ेगा भाई, करना ये पड़ेगा कि यहाँ से आप इसकी कॉपीज को एक्सटेंड करना शुरू करेंगे। अभी कॉपीज हमें इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो वर्टिकली डिस्टेंस पर मैं इसको सेट करता हूँ, सपोज टू बी ई 25 के बाद जो है ना ये एक इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये नीचे जा रहा है, तो -25 करता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से प्रीव्यू ऑन होना चाहिए, तो ये देखिए मैंने इसका एक वैल्यू सेट करी है कि ये अपने डिस्टेंस से कितना वर्टिकली आगे जाएगा, कि भाई इसका इतना आगे जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ से मैंने इसकी कॉपीज को एक्सटेंड करना शुरू किया है, तो ये कॉपीज एक्सटेंड होती जा रही है। अच्छा, अब इसकी एक कॉपी रखता हूँ और मैं इसका रेडियस थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ कि ये अपनी इससे कितना आगे जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद मैंने यहाँ से कॉपीज बनाना शुरू करी, तो देखिए ऐसे ऑटोमेटिकली ये कॉपीज इस साइड पर बढ़ रही है। सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल में करूंगा यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पे इस रहा है टेढ़ा हो जाएगा, इस साइड पर जाएगा तो इस साइड पर टेढ़ा हो जाएगा, और अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तो फिर मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी इस तरह से आगे पीछे कर सकता हूँ। ये देखिए किस साइड पर बढ़ाना है इसको मुझे, और यहाँ से अपनी कॉपीज पहले कम कर लूँ, फिर तो जीरो के बाद वन कॉपी, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे कर दिया, तो इसके आगे नहीं जा पा रहा ये, अब जाएगा, और यहाँ से कॉपीज को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो ऑब्जेक्ट है डुप्लीकेट क्रिएट करेगा। अब आते हैं एंगल के ऊपर, कि अगर हम 30 डिग्री के एंगल पे चाह रहे हैं कि ये ऐसे जाए, तो 30 डिग्री का एंगल दिया हमने यहाँ पे, और कितनी कॉपीज रिक्वायर्ड है, तो ये देखिए 30 डिग्री के एंगल से ये दोबारा से इस तरह से शेप क्रिएट कर देगा। अगर इसी एंगल को -30 डिग्री का कर देंगे तो फिर ये कुछ इस तरह से शेप को क्रिएट करेगा, यानी कि इस तरह से। ठीक है, और यही सारी चीजें हम इसके ऊपर देख रहे होते हैं कि एंगल का क्या रखना है, कितना एंगल रखा जाएगा, तो उस एंगल पे ये अपनी चीजों को रिफ्लेक्ट करे। अब आप देख रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्ट एक ही साइज के प्रोड्यूस कर रहा है, एक ही साइज के। अगर ऐसी असाइनमेंट आपको बनाने के लिए कहा जाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके जरिए आसान है। तो एक साइज नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये आगे जाए वैसे वैसे या तो छोटा होता जाए, वैसे वैसे या तो बड़ा होता जाए। अगर छोटा करना है तो ये 100% का जो एक्चुअल साइज है उससे कितना छोटा, मैंने 90% कर दिया, मतलब उसकी विड्थ से 90 मतलब 10% कम हो, यानी कि हर ऑब्जेक्ट अपनी साइज से 10% कम होगा और लास्ट ऑब्जेक्ट आपका ये बनेगा। अब ये थोड़े टेढ़े ही होगा क्योंकि मैंने इसकी वर्टिकल कम नहीं किया, वर्टिकल 90% कर दिया, तो ये बिल्कुल स्क्वायर रहेंगे और ऐसा लगेगा ये छोटे से इस तरह से बन के आ रहे। इसी तरह से अगर आप कॉपीज को बढ़ाते जाएंगे तो ये देखें आगे इस तरह से और मामले को कंटिन्यू रखा जाएगा, और ये इस तरह की ड्राइंग को भी क्रिएट किया जा सकता है। नहीं, इसके अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये बन गया। अब इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे खुद ही रोटेट हो जाएंगे, ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा अभी इसके ऊपर कौन सा इफेक्ट है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को जो है आप रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के बारे में बताया। अब इससे जुड़ा एक असाइनमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप बना के दिखाइए। तो असाइनमेंट क्या है देख लेते हैं, यहाँ से मैं आया इस पे और देखिए ये असाइनमेंट आपने बनाना है, या तो ये वाला बनाए या फिर ये देखिए इस तरह का एक असाइनमेंट इस पे क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है,